ओम नमः शिवाय। कभी आपने सोचा है राहु केतु हमेशा वक्री ही क्यों होते हैं, हमेशा पीछे की तरफ ही क्यों जाते हैं? क्योंकि राहु केतु हमको हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में बताना चाहते हैं, इसलिए वो हमें पीछे की तरफ धकेलते हैं। वो कर्म जो कि हम अपने पिछले जन्मों में करके आए हैं और हम उनको नहीं निपटा रहे, एक तो उन कामों को हमारे निपटाना होता है राहु केतु ने, उसकी तरफ हमें धकेलते हैं। दूसरा, हमारे जीवन का जो उद्देश्य होता है, हमारी आत्मा जिन उद्देश्यों को लेकर के इस जीवन में आई है, हम उन्हें भूल जाते हैं। इस जीवन में जब हम आते हैं मोह माया में फंस जाते हैं, अपने उद्देश्य से हम विमुख हो जाते हैं और ऐसे कर्म करते हैं कि हमें उन सारे कर्मों को भी निपटाना पड़ता है और अपने उद्देश्य को भी पूरा करना होता है। जब तक हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो राहु केतु हमारी मोक्ष के लिए, हमारी मुक्ति के लिए हमें पीछे धकेलते हैं। ये वो ऊर्जाएं हैं जो कि हमें बताती रहती हैं कि हमने उन कर्मों को भी पूरा करना और अपने उद्देश्य की तरफ भी जाना है। इसीलिए राहु केतु हमेशा पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की राशि की तरफ जाते हैं। जो चीज़ें हम भूल चुके हैं, हमें याद ही नहीं, हमारा जीवन बिल्कुल अलग चल रहा होगा, वर्तमान बिल्कुल अलग चल रहा होगा और हम कुछ और ही सोच रहे होंगे। क्यों क्यों? क्योंकि वो हमारे पिछले जन्मों से जुड़ी हुई चीज़ें जिन्हें हमने पूरा करना है, हम वो सोच रहे होते हैं जिनका आज के जीवन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो हमारी लाइफ का पर्पस होता है। तभी तो वो हमें खींचता है। जब तक हम उनको पूरा नहीं करेंगे, हमें जीवन में कोई भी चीज़ें ठीक से नहीं मिलने वाली। हम समझते नहीं, हम इग्नोर करते हैं उन ऊर्जाओं को, इग्नोर करते हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती है। हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते उन ऊर्जाओं पर। हम कहते हैं हम क्यों ध्यान दें, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो हमारे दिमाग का सिर्फ वहम होगा। तभी हम कहते हैं राहु है वहम, राहु है डाउट, राहु हमें डराता है। ये हमारे अंदर की गांठें हैं राहु और केतु, जो कि हमें खोलनी है। केतु हमारी आत्मा की गांठें हैं और राहु हमारी मन की गांठें हैं, जो कि हम आगे कर्म करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बहुत सारे बंधन ले लेते हैं। उन सारे बंधनों को काटना, ख़त्म करना, वो सब राहु केतु का काम है और हम उसके रहस्य से डरते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। अगर हम रुके, उन ऊर्जाओं को समझने की कोशिश करें, सोचें हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, फिर हम अपने उन कर्मों को भी निपटाएं जो हमने पीछे अधूरे छोड़ दिए हैं और अपने पर्पस की तरफ भी जाएं, तो हमें राहु केतु परेशान भी नहीं करने वाले। और जो हमें लगता है पीछे की तरफ हम धकेले जा रहे हैं, डाउट्स आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, वो भी नहीं होने वाला है। ओम नमः शिवाय।